International brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer. नमस्कार। हमने कहा था कि जो तीन काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि तीन चार बड़े जो पूंजीपति हैं, उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो तीन काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन MSP पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है लखीमपुर खीरी उस पर होना था। लखीमपुर खीरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में ये दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जा सकता। अंग्रेजी में बोल दो। वी हैड मेंशन्ड अर्लियर दैट द फार्म लॉज वुड हैव टू बी विदड्रॉन, एंड वी हैड सेड इट बिकॉज वी अंडरस्टूड दैट द माइट ऑफ 3 or 4 लार्ज crony capitalists cannot stand against the might of the Indian farmer and the Indian laborer, and that has come true. What is unfortunate is how the bills have been repealed without any discussion, without any conversation. We wanted to have a conversation about the forces behind these bills, because these bills do not just reflect the view of the Prime Minister. These bills reflect the power behind the Prime Minister, the power of people and forces behind the Prime Minister, and that is what we wanted to discuss. Who actually is behind these three bills? What are the forces that are behind these three bills? We wanted to discuss MSP. We wanted to discuss Lakhimpur Kheri. We wanted to discuss the 700 farmers who died in this agitation. And unfortunately, that discussion has not been allowed. This is a reflection of the fact that the government is terrified of having this discussion. The government wants to hide. The government does not have the guts to stand up for its actions. And this is quite unfortunate. सर, आप लोग इस पूरे आंदोलन में दो तीन मांग पहले भी थी आपकी, पहले जैसे कि MSP की गारंटी मिले, दूसरी की जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी, उनका इस्तीफा हो। क्या इस कानून को वापस लेने से अब आपकी ये मांग खत्म हो गई है? ये इस पर अभी आपका प्रदर्शन धरना है? ये तो देखिए, ये जो तीन कानून थे, ये किसानों पर आक्रमण था, मजदूरों पर आक्रमण था। मगर
किसानों और मजदूरों की जो डिफिकल्टीज हैं, मुश्किलें हैं, वो एमएसपी, कर्जा माफी, वो लंबी लाइन है, लंबी लिस्ट है, और वो अभी तक मतलब उनकी मांगे हैं और उनको उनका हम समर्थन करते हैं। सर, बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है सर कि जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांग ली और अब जब तीनों कृषि कानून वापस हो गए लोकसभा और राज्यसभा में, तो डिस्कशन की जरूरत क्या है? तो फिर सांसद की क्या जरूरत है, उसको बंद कर देते हैं, बंद ही कर दो फिर। फिर प्राइम मिनिस्टर को जो कहना है कह दें, जो कानून बनाने हैं बना दें, तो इसके इसका क्या मतलब है? राहुल जी, बंद ही कर लो। राहुल जी, आपने मौत हुई है वो सात सौ आदमी के लिए आप लोग कुछ आगे कुछ कदम चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट से बीजेपी गवर्नमेंट से चला रहा है, उनके से कोई उनका राहत नहीं? आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी गलती के कारण से 700 लोग मारे गए, उनकी गलती के कारण से ये जो पूरा आंदोलन हुआ है। तो फिर अगर उन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली है तो फिर कॉम्पनसेशन देना तो पड़ेगा। राहुल जी, आपने पहले कहा था कि तीनों कृषि कानून वापस लेने होंगे, सरकार ने अंतोगत्वा ये बिल वापस ले लिया। अब सवाल ये है, देखिए जिस प्रकार से लिया है इन्होंने, सबसे पहले इसमें किसानों का अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि थोड़े से संगठन, थोड़े से किसान के संगठन, ये सेक्शन, एक सेकंड में पढ़ लेता हूँ, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज लॉज। ये कोई ग्रुप नहीं है, ये हिंदुस्तान के सब किसान हैं। पहले आपने इनको खालिस्तानी कहा, अब आप इनको ग्रुप ऑफ फार्मर्स कह रहे हो। ये ग्रुप ऑफ फार्मर्स नहीं है, ये हिंदुस्तान के सारे किसान हैं, और ये समझते हैं कौन सी शक्तियां इन पर आक्रमण कर रही है। सर, आप लोग एमएसपी पे क्या गारंटी की मांग कर रहे हो और किसी को भी, किसानों के लिए क्या, क्योंकि जो किसान संगठन के नेता अभी भी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी क्या अपील करेंगे उन किसान संगठनों से, क्योंकि संसद में अभी नहीं। मैं किसान संगठनों से क्या अपील करूंगा, उनसे कोई अपील करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार किसान संगठन है क्या? उनने क्या गलती की है? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब एक साल यहाँ आप बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने, आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो,